हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट करेंगे, रिवीजन करेंगे, देखेंगे इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से इसके ऊपर फॉर्मूले लगेंगे, कौन से इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो बस रिवाइज कर लीजिए बाइनोमियल थ्योरम एक ही लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले देखिएगा बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। तो बाइनोमियल थ्योरम को हम नॉर्मली लिखते हैं जैसे कि हाँ जी, बाइनोमियल थ्योरम को लिखते हैं ए प्लस बी की पावर एन। ए और बी कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। हम इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं कि समेशन आर इक्वल टू जीरो एन एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर। अगर आपको एक्स प्लस वाई की पावर एन दे रखा हो और ए और बी दे रखा है तो एक्स और वाई की जगह ए और बी आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सोल्व करते हैं। बस क्या करेंगे, आर स्टार्ट करेंगे जीरो से, पुट करते जाएंगे और लेके कहां तक जाएंगे, एन तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये रिवीजन के लिए है, जिन बच्चों ने सिलेबस किया हुआ है पहले प्लस वन प्लस टू का, और जो बच्चे कॉम्पिटिशन का एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके बच्चों के लिए रिवीजन है। तो देखिएगा किस तरीके से हम ये कर रहे हैं। तो बस एन पुट करना है और इस तरीके से हम आगे सोल्व करते जाएंगे, ये आपकी जो बाइनोमियल जो है एक्सपेंशन बन जाएगी। तो फिर इसके अंदर मेन जो चैप्टर के अंदर यूज होता है वो फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का। ठीक है, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है कि टी आर प्लस वन, मतलब कि जो भी टर्म होगी वो आर से एक ज्यादा होगी। क्योंकि देखिए ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है ये, आर क्या है यहाँ पे जीरो है, ये सेकेंड टर्म है, आर क्या है यहाँ पे वन है। तो जो टर्म है ना वो हमेशा आर से एक ज्यादा होती है, तो जो टर्म है वो क्या मिलेगी, आर प्लस वन, और ये आपका फॉर्मूला रहेगा। इसके बेस पे हम क्वेश्चन को सोल्व करें। उसके बाद देखिए टोटल टर्म के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो अगर आपका क्वेश्चन है बाइनोमियल के ऊपर, कहने का मतलब अगर x प्लस वाई की पावर अगर n है, फिर तो आपका क्वेश्चन रहेगा जैसे कि x प्लस वाई की पावर n है और आपको नंबर ऑफ टर्म के बारे में पूछे तो आपका आएगा n प्लस वन। ठीक है, जैसे कि इसकी पावर 10 है तो कितनी टर्म आएगी, 11। और अगर आपसे पूछता है ट्राइनोमियल के ऊपर जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड और इसकी पावर n है, तो इसके अंदर जो टर्म बनेगी, तो ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, n प्लस वन एन प्लस टू डिवाइड बाय टू, फिर इतनी टर्म बनेगी। क्लियर, और अगर बाइनोमियल है तो इतनी टर्म और ट्राइनोमियल है तो इतनी टर्म। उसके बाद क्या बोलता है कि एक शॉर्ट ट्रिक बताइए किस लिए, ये जो मैंने आपको बताया सिर्फ इसी के लिए। ठीक है, क्योंकि जो एयरफोर्स नेवी एनडीए है, बीएससी एग्रीकल्चर है, तो उसके अंदर सिर्फ आपका जो क्वेश्चन आता है वो बाइनोमियल पे आता है या ट्राइनोमियल पे आता है, उससे ज्यादा नहीं आता। ठीक है, उससे ज्यादा आ जाए तो ये एक ट्रिक है, ये कितने भी टर्म आ जाए उसके अंदर ये ट्रिक लगेगी। ठीक है, क्या बोलता है, जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, ठीक है, ये हो गया और इसकी टर्म निकालनी है। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रिक रहेगी कि आर देखो क्या है, आर मतलब टर्म कितनी है, कितनी है, आप यहाँ पे चार टर्म है। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रिक रहेगी n प्लस थ्री सी थ्री। ठीक है, मतलब एक टर्म से ज्यादा जितनी टर्म है वो ले लीजिए, n प्लस थ्री सी थ्री, इसको सोल्व करेंगे तो उतनी टर्म आ जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या था, n प्लस टू सी टू। ठीक है, तो आपको ज्यादा इतना डिटेल के अंदर नहीं जाना, बस आप बाइनोमियल का देख लीजिए और आप ट्राइनोमियल का फॉर्मूला याद कर लीजिए, ट्राइनोमियल का, बस इससे ज्यादा नहीं आता। उसके बाद क्वेश्चन है मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म के अंदर अगर n इवन है तो ये मिडिल टर्म होती है। ठीक है, n बाय टू प्लस वन, और अगर ओड है तो ये दोनों मिडिल टर्म होती है। n पुट कर देंगे हम, आंसर आ जाएगा। जैसे x प्लस वाई की पावर 10 है और हमने यहाँ पे 10 पुट कर दिया, तो मिडिल टर्म कौन सी आ गई आपकी, 6। और x प्लस वाई की पावर 11 है और अगर हमने यहाँ पे 11 पुट कर दिया, तो ये जो आपकी टर्म है ये कितनी आ गई आपकी, टर्म आ गई आपकी 6। ठीक है, तो और टर्म आपकी आ गई 7। 6 और 7 दो टर्म, ये जो है आपकी मिडिल टर्म आ जाएगी। और उसके बाद देखते हैं अगर जैसे ये क्या है, 2n है। ठीक है, तो 2n का मतलब एक इवन नंबर है, तो n बाय टू करेंगे तो n प्लस में 1, तो ये आपकी जो है क्या टर्म आ गई, मिडिल टर्म आ गई। और अगर आपसे कोफिशेंट पूछे, क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर आया है, इसमें मिडिल टर्म का कोफिशेंट पूछा है, तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको चाहिए r और आपको चाहिए n, तो n c r ये होता फॉर्मूला। तो n की जगह क्या है, 2n,
सी, और यहाँ पे एन की जगह क्या है आपका एन बाय टू है ना, क्योंकि मिडिल टर्म जो हमने निकाली है देखिए उसकी जगह क्या है ये एन बाय टू आपका ये रहा आर प्लस वन, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर है टू एन सी एन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशेंट, तो एन इवन है या एन ओड है और ग्रेटेस्ट कोफिशेंट आपसे पूछे, ठीक है, तो इसमें तो मिडिल टर्म का कोफिशेंट ही हाईएस्ट होता है, ठीक है। मिडिल टर्म का कोफिशेंट ही क्या होता है, हाईएस्ट होता है। देखिए मैं ट्रिक बताता हूँ इसकी किस तरीके से है। तो ये आपका इधर स्टार्ट हो गया, तो अगर इसके अंदर हम तीन केस बना के चलेंगे, जैसे अगर एक्स प्लस वाई की पावर एन है, ठीक है, या आपका ए एक्स प्लस ए वाई की पावर एन है, मतलब कि ये दोनों कंडीशन अगर है, ठीक है, फिर तो मिडिल टर्म का जो कोफिशेंट है वही हाईएस्ट होगा। कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, मिडिल टर्म का कोफिशेंट निकालिए और वो हाईएस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर ये दोनों डिफरेंट है, जैसे कि आपको बोल दिया ए एक्स प्लस बी वाई की पावर एन, तो उसके अंदर पूछा आपको ग्रेटेस्ट कोफिशेंट, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये ट्रिक किस तरीके से लिखेंगे, एन प्लस वन और कोफिशेंट लिखना है ए बाय बी, मतलब एक्स का कोफिशेंट डिवाइड बाय वाई का कोफिशेंट प्लस में वन। तो यहां से जो आर आएगा अगर उसको हम सोल्व करके निकालेंगे तो ये आपकी हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट कोफिशेंट जो है वो आएगा। उसके बाद देखते हैं रेशनल इंडेक्स। तो रेशनल इंडेक्स क्या होता है कि एन इज ए नेगेटिव इंटीजर और ए फ्रैक्शन, देन एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए जैसे कि फर्स्ट टर्म इज वन, हमेशा वन होती है फर्स्ट टर्म इन फॉर्मुलों के अंदर। इसके अंदर जैसे कि वन प्लस एक्स की पावर एन है, ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करें, अगर हम जो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है उसे सोल्व करें तो ये बनेगा। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये जनरल टर्म बनेगी। जनरल टर्म अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो जो क्लासेज है उसके अंदर मैंने 10 फॉर्मूला इस तरीके से बता रखे हैं, और यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी है जिसके अंदर मैंने पूरा बेसिक से सोल्व करवा रखा है। तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे प्लेलिस्ट के अंदर बाइनोमियल थ्योरम के नाम से, उसके अंदर सारा डिटेल के अंदर बता रखा है कि 10 टेबल है ये किस तरीके से बनेगी। तो आगे देखते हैं क्या बोलता है, इंपोर्टेंट एक्सपेंशन है, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो ये वाली है, ठीक है, इसको सोल्व करके बता रखा है मैंने, आपको ध्यान रखना है कि वन प्लस एक्स की पावर एन इसके इक्वल होता है। बट ज्यादा ज्यादा लेंथ याद करने की जरूरत नहीं है, हम स्टार्टिंग के 3 टर्म सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। जैसे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं 1.02 की पावर 8 इस तरीके से, ठीक है, तो या फिर 1 + x/2 की पावर आपको इसके अंदर दे रखा था 8, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो बस स्टार्टिंग के 3 टर्म में सोल्व करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है। सारा डिटेल में सोल्व करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो इसके बाद और एक्सपेंशन है आपकी, अगर एक्स की जगह माइनस एक्स लगाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, और 1 - x की माइनस एन है तो ये बन जाएगा। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगर आपको बेसिक से देखना है तो किस तरीके से हम सोल्व करते हैं, तो क्या करेंगे कि जो डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर मैं जो बाइनोमियल की प्लेलिस्ट है उसका मैं लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप देखना चाहे तो आराम से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी यहाँ तो सिर्फ 4 ही दे रखी है, ठीक है, ये बनी कैसे ये सारे का सारा वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है। उसके बाद क्या बोलता है कि देखिए, उसके बाद जी ये चीज तो हम कर ही चुके हैं, नंबर ऑफ टर्म के बारे में बताया था अभी स्टार्टिंग के अंदर, ये दोनों फॉर्मूले तो अगर सोल्व करेंगे तो वही बनेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो यही है, तो उसके साथ में लोगेरिथम, लोगेरिथम भी एक एक्सपेंशन होता है। तो वैसे तो हम ये लोग वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, क्लास के अंदर मैंने बताया भी हुआ है, एंड जो वीडियो भी डाली हुई है लोगेरिथम की, एक रेशो एंड प्रोपोर्शन की जो है प्लेलिस्ट है उसके अंदर लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 जो है वो लोगेरिथम का है, ठीक है, तो उसके बारे में। तो चलिए लोग का चैप्टर तो हम अलग से कर लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि सारा ये लोग के बारे में ही बता रखा है और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो मैं बाइनोमियल की इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसके अंदर बता देता हूँ, ठीक है, और जो लोगेरिथम है उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम अलग से करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है देखिए कि आर प्लस वन टर्म फ्रॉम एंड लास्ट से आर प्लस वन टर्म और स्टार्टिंग से बनेगी एन माइनस आर प्लस वन टर्म। जैसे कि आपसे पूछ लिया एक्स प्लस वाई की पावर 10 पूछ लिया और आपको बोलता है कि थर्ड टर्म बतानी है फ्रॉम एंड। अब एंड का तो हमने एक्सपेंशन किया नहीं, तो ट्रिक याद रखना, ठीक है, तो लास्ट से क्या पूछा है आर प्लस वन पूछा है, ठीक है, तो इसको आप आर मान लीजिए। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, वो कभी भूलेंगे नहीं, आप याद रखेंगे। इसको क्या मान लीजिए आर, और आप ट्रिक लगाइए आर माइनस आर प्लस टू टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। जैसे 10 में से 3 गया, बताइए कितना 7, 7 + 2 9, तो आप स्टार्टिंग से निकाल लीजिए 9 टर्म, आपका जो आंसर है वो लास्ट से थर्ड टर्म आ जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखनी है, क्लियर। तो इसके बाद कुछ एक्सपेंशन है,
ये भी मैंने सारे का सारा सोल्व करके बता रखा है लेक्चर के अंदर, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ये जितनी भी एक्सपेंशन है, देखिए कहाँ तक है, ये आपकी है जो एच तक है, ठीक है। ये सारी की सारी एक्सपेंशन या तो आप याद रखिए, ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हैं, एग्जाम के अंदर क्या होगा, देखिए एग्जाम के अंदर ये होगा कि ऐसे एक्सपेंशन आ जाएगी, ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है, अभी कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो हम N1 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कहाँ हम 1 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे N होगा, यहाँ पे N होगा, तो या तो 1 इधर पुट करेंगे और या 1 इधर पुट करेंगे, तो इन दोनों में 1 1 पुट करेंगे, यहाँ से 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन में N की जगह 1 पुट करके देख लीजिए, जहाँ से 2 आ जाए वही आंसर हो जाएगा बस आपका। तो सारे के सारे एक्सपेंशन एग्जाम के अंदर आई हुई है, ये चारों क्वेश्चन तो आपके, अगर जैसे कोई भी बुक देखते हैं, RS अग्रवाल की बुक है या पाथफाइंडर है, उसके अंदर मिलेगी, बट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, N1 पुट करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। उसके बाद ये छोटी छोटी ट्रिक है, ये भी आपको याद रखनी है, याद रखे तो बहुत अच्छी बात है, वरना वही N और R की जगह आपका जो मन करे वो पुट कर लीजिए और सेटिस्फाई करके देखिए, आपका आंसर जो सेटिस्फाई करे वही आपका आंसर हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा सा माइंड के अंदर भी है, हमको ध्यान है ये चीजें, तो बिल्कुल इजिली इनको कर सकते हैं, बिल्कुल जो है एग्जाम के अंदर बिल्कुल रिटो क्वेश्चन आता है और देखते ही हम उसको ठीक कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, बस आपको ध्यान रखना है। और दूसरा मैंने बताया कि N1 पुट करो और आपका आंसर आपके सामने होगा, कोई भी सोचने की याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये सारे के सारे बाइनोमियल के थे, ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंशन है ये लॉगरिथम वगैरह की है, तो हम इनको अलग से रीड करेंगे, ठीक है। तो आज का पर्पज हमारा सिर्फ बाइनोमियल को रिवाइज करना था, तो बाइनोमियल में हमने रिवाइज किया, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट है वो सारा कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है, किस तरीके से सोल्व करते हैं। ट्रिक और भी बहुत सारी है, लेकिन वो तो जितना आगे जाएंगे हम क्वेश्चन करेंगे, ट्रिक बनाते जाएंगे, बट कंसेप्ट यही यूज होगा, इसके अलावा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। ट्रिक जो किया होता है वो तो हम क्लास के अंदर ही कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, उसके लिए तो अलग से वीडियो मिलेगी आपको, बट जो कंसेप्ट होता है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो यही है, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो सारे के सारे कंसेप्ट, प्रॉपर्टी और जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो हमारा पर्पज है इस वीडियो का, तो वो हमने सारे का सारा पूरा कर लिया। तो आज हमने किया बाइनोमियल, लास्ट लेक्चर के अंदर, जो मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हम ये जो लॉगरिथम है इसके बारे में थोड़ा सा करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर।